आज हम सिखाएंगे तुरपाई। सूट में तुरपाई कैसे होती है, तो देखिए सबसे पहले हमने ये कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है। हमने दूसरे कलर का धागा लिया है ताकि अच्छे से दिखाई दे सके तुरपाई कैसी होगी। सिंगल धागा डालना है तुरपाई के लिए, डबल धागे से तुरपाई नहीं होती। अब हम शुरू करते हैं तुरपाई। तुरपाई भी दो तरह की होती है, एक रेडीमेड और एक सिविल तुरपाई। तो ये हम रेडीमेड तुरपाई करनी सिखा रहे हैं, इसके बाद हम सिविल तुरपाई करनी सिखाएंगे। ये बताएंगे सिविल में और रेडीमेड में क्या फर्क होता है। ये यहाँ तक हमने रेडीमेड तुरपाई करके दिखाई है, देखिए और अब हम इसमें आगे बनाएंगे सिविल की तुरपाई। सिविल की तुरपाई में ये धागा आगे फोड़ा जाता है, सुई आगे निकालनी है ऐसे, और फिर इसके पास से ही हमें लेनी होती है ऐसे और सुई को आगे निकालनी है। यहाँ देखिए इस तरीके से, जहाँ सुई निकालेंगे हम कपड़े में ऊपर, उसी जगह से हमें नीचे से उठाना है कपड़ा। देखिए देखिए यहाँ से हमने सिविल तुरपाई शुरू करी है और ये हमारी रेडीमेड तुरपाई है। सिविल तुरपाई में धागा ऊपर नजर नहीं आएगा, वैसे तो आजकल जल्दी की वजह से सब रेडीमेड ही तुरपाई करने लगे हैं, कोई सिविल तुरपाई करनी पसंद नहीं करता जल्दी से, क्योंकि इसमें वक्त लगता है। सफाई आती है मगर इसमें,
देखिए यहाँ से लेकर और ये हमने सिविल तुरपाई करनी सिखाई। देखो और आप इधर भी देखें, ये हमारी सिविल तुरपाई है और ये हमारी रेडीमेड तुरपाई है। आप चाहे कोई सी भी कर सकते हो। आपको फर्क खुद ही दिख जाएगा। वैसे पक्का करना है जहां तुरपाई खत्म हो जाए। देखिए